मतलब इतनी सारी राय तोड़ के आ गई हूँ, लेकिन जब मंगाऊंगी ना जिससे सब्जियों की, पता नहीं क्या है, जादू है सब्जी में जादू। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन से, और दिन का खाना पीना हमारा बन गया। तो अभी का काम है भड़ चूड़ने का, और अम्मा भड़ चूड़ने लग गए हैं, और अम्मा के साथ जा रहे पतिदेव भड़ चूड़ने के लिए। तो पतिदेव ला गए भड़ चूड़ने के लिए लकड़ी। अब इस लकड़ी का क्या कर रहे हो? इसको थोड़ा लंबा रहे काट के भड़ चूड़ेंगे ना। आप जब तक काटोगे तब तक अम्मा भड़ चूड़ लेंगे। तो पतिदेव भी चूटने लग गए हैं बट, और आमा तो पहले से चूट रहे थे। तो हम लोगों ने आज भर सुखाने के लिए डाले थे, आज नहीं कब से सुखाने के लिए डाले थे, वो चूटने का हम लोगों को टाइम नहीं हो रहा था। आज भर चूटने की सोची थी, तो आज सासू माँ की हालचाल पूछने के लिए लोग आए थे, तो सबसे पहले आमा ने चूट दिया था, आमा और पतिदेव ने, और थोड़ा सा मैंने भी चूटा था। तो उसके बाद और लोगों ने फटाल हटाल लगा दिया था। गाँव में ना एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, गाँव में ना एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हर कोई आगे रहता है। सबको पता है पापा की तबीयत ऐसी हो रही है और सासू माँ के पैर में लगी है, तो सब लोग हेल्प करने के लिए अपने अपने ओर से जितना भी हो सकता है ना उतना करते हैं। तो हर गांव में शायद ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है, और गांव में ये होता ही है, प्रेम भावना मतलब प्यार जो कहते हैं ना एक दूसरे के लिए, वैसा ही होता है, और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। तो अचानक से बारिश की बूंद आई, तो जो भड़ चूटे थे ना वो इस वाले कट्टे में उठा दिए हैं मैंने, और अब ये वाले भड़ चूटने हैं, तो ये पतिदेव उठा रहे हैं, इसको उठा के ढक देंगे। चूटने के बाद जो भुड़ बचा है ना, तो इसको हम बंछी और गाय को देंगे। वो भी बूढ़ी है और ये भी बूढ़ी है, ये थोड़ा महीन जैसा है, वो थोड़ा उसमें लकड़ियाँ ज़्यादा हैं तो इसलिए अलग अलग रख रखे हैं। तो अब इस वाले को चूटना है, इसको अभी नहीं, अभी दो चार दिन बाद जब अच्छे से सूख जाएंगे ना तब इनको चूटेंगे। और जैसे ही मैंने भट उठाए ना वैसे ही फिर से धूप आ गई है। कभी अचानक से गायब हो जाती है हमको डराने के लिए, और कभी अचानक से आ जाती है। अब क्या कर सकती हूँ, उठा ही लिया है, और इधर इधर को पूरा बादल बादल, धूप धूप, यहाँ भी धूप, और यहाँ पे कर रहे हैं पतिदेव काम। काम नहीं करोगे कह रहे हो? इतना काम तो कर ही रही हो यार, कैमरा पकड़ के देखा, आपकी वीडियो बना रही हूँ, काम नहीं हुआ है? तो काम करके ना थक गई हूँ मैं, तो रेस्ट चल रहा है मेरा, काम से ज्यादा ना रेस्ट ही चलता है। और कल सासू माँ और पतिदेव जा रहे हैं देहरादून, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना कि सासू माँ का इलाज पिथौरागढ़ में नहीं हो पाया, क्योंकि पिथौरागढ़ वालों ने आगे को रिफ़र कर दिया था। तो अब ये लोग जा रहे हैं कल देहरादून, एक दो दिन में सुमा भी आ जाएगी, फिर मेरा भी ठीक हो जाएगा। तो आज तक वीडियो एडिट तो पतिदेव करते थे, अब पापा, अब शायद कल से अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो वो एडिट पापा ही करेंगे, क्योंकि मेरे को तो आता नहीं है। पापा बोल रहे थे थोड़ा बहुत तो मेरे को आता ही है, तो मैं कर दूंगा, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि वरना मैं मेरे ब्लॉग नहीं आ पाएंगे जब तक ये लोग देहरादून से नहीं आएंगे। वो डुबका निकाल के मैं ला गई हूँ, इस डुबके में मैंने जो बताया था ना फटका बुड़, वो डालना है इसमें, ये गाय भैंसों को देंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो एक बार मैं इसमें फटाफट से भूड़े डाल देती हूँ, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, फिर से बूंदाबांदी होने लग गई है। देखा, अभी अभी धूप आई थी, फिर से बूंदाबांदी होने लगी, इस मौसम का तो बाप रे क्या ही ड्रामा है, क्या बताऊँ। पतिदेव ये मेरा काम था यार, कल से तो आपने ये करना है फिर। देखा इतनी इतनी हेल्प कर देते पतिदेव, मेरा तो सही है, कैमरा पकड़ो और काम होते रहता है ना। पतिदेव ने तो भर ढक धूप के फिट फोर बना दिया है,
पतिदेव तो मतलब 10 घंटे तो आप इसी में लगा दोगे है ना। काम भी तो बढ़िया हो रहे हैं। इतनी बारिश नहीं आने वाली है जितना आप ढग रहे हो। तो मैंने ना फ्लिपकार्ट से एक सामान मंगाया था, बहुत दिन हो गए उसे आए हुए, लेकिन मेरे को देखने का टाइम नहीं हुआ। सच्ची बता दी, देखने का बिल्कुल टाइम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सोचा यार अच्छे से आराम से बैठ के देखूंगी। तो रोज मेरा ऐसा हो रहा था, तो मैं सुबह सोचती थी सुबह देखूंगी, दिन में सोचती थी दिन में देखूंगी, सुबह नाश्ता बनाने का टाइम, दिन में खाना बनाने का टाइम, कभी कुछ कभी कुछ। तो आज मेरा दिन का लगभग सारा काम खत्म हो गया है। तो बारिश भी आई है, तो अभी मेरा कोई कुछ काम है नहीं, क्योंकि घास मैंने पहले से काट लिया है। तो अब मेरा अभी जो शाम का खाना वाना बनाने का टाइम होता है ना, वो अभी है, अभी बहुत टाइम है अभी शाम का खाना बनाने के लिए। तो एक बार जो मैंने सामान मंगा रखा ना, मैं भी देख लेती हूँ कैसा है, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अरे मुझे लग रहा है ना यार फाड़ दूंगी, तो फिर अब तो ऐसे भी चेंज भी नहीं हो सकता, क्योंकि काफी टाइम हो गया ऐसे आए हुए। मेरी आधी ताकत तो इसको खोलने में लग जाने आ रही है, सच्ची में कह रही हूँ। काफी इतना कौन चेक कर ही लेता यार। तो मेरे बस का तो था नहीं, पतिदेव आए हेल्प करने के लिए। मेरे बस का था, लेकिन मेरा टाइम लग रहा था, तो पतिदेव कह रहे थे यार 10 घंटा तो तूने इसी में लगा दिया है, तो मैं ही खोल देता हूँ। तो मैंने मंगाया था वैक्स मशीन, तो एक बार देख लेती हूँ कैसा है करके, क्योंकि यहाँ ना ब्यूटी पार्लर बहुत दूर है, और पापा के सामने मेरा इसी वजह से झगड़ा होता है। मैं पापा से बोलती हूँ आपके यहाँ तो ब्यूटी पार्लर भी नहीं है, पापा बोलते ना यहाँ जन्नत है, मैं बोलती हूँ जन्नत है, अब ब्यूटी पार्लर तो है नहीं कहीं, है मतलब यहाँ दूर है। तो मैंने सोचा कि घर ही मंगा लेती हूँ और घर ही खुद कर लूंगी, क्योंकि मेरे को आता है थोड़ा बहुत, तो जैसा भी होगा वैसा कर लूंगी। तो फाइनली ये है मेरा सामान, और बाहर पे देखा ना कितना बड़ा दिख रहा था, खोल के देखा इतना छोटा, और इसको खोल के देखूंगी पता चला है इतना सा होगा, फिर क्या होगा यार। तो देख लेती हूँ एक बार, तो ऐसा कुछ है मेरा वैक्स मशीन, दिख तो अच्छा रहे, अब वो तो बाद में पता चलेगा प्यारा है या ऐसा ही है, वैसे अच्छा ही होगा। तो वैक्स मशीन मैंने चेक कर ली है, ठीक है। तो शाम का वक्त हो गया, अभी का काम है सब्जी तोड़ने का, तो जाती हूँ खेत में फटाफट से। सब्जी ना घुमा फिरा के पूरी 3 हो रही है, कभी कद्दू कभी करेली कभी करेला, तो आज विचार है राय की सब्जी खाने का, तो फटाफट से जाती हूँ राय तोड़ के आती हूँ। तो सासू माँ ने ना खेत में 2 प्रकार की राय लगाई है तो एक देखो हरी हरी और थोड़ी थोड़ी काली काली है ना, और एक पूरी हरी है, और इनकी पत्तियों में भी अंतर है ना, देखो इनका साइज देखो, और इनका डिज़ाइन देखो, डिज़ाइन में भी थोड़ा बहुत अंतर है। अब खाने में तो पता नहीं, क्योंकि हम तो दोनों साथ में बना रहे हैं, खाने में तो टेस्ट मिक्स हो जाएगा। तो जैसा वैसे मेरे को तो राई की सब्जी अच्छी लगती है, ये हो या ये हो, दोनों राई खाने में तो सेम सेम होती है, थोड़ा दिखने में अंतर होता है। तो इतनी सारी राय तोड़ के आ गई हूँ, लेकिन जब मंगाऊंगी ना जिससे सब्जी होगी, पता नहीं क्या है जादू है सब्जी में जादू, उस टाइम में भी देखो इतनी भरी भरी सी दिख रही है, और जब पक जाती है ना इतनी सी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी सी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि सूख जाती है ना, और खाने में एक नंबर होती है। तो रात का वक्त है, मैं पकाने लग गई हूँ रात की रोटी, और पतिदेव काट रहे हैं सब्जी। तो पतिदेव ने सब्जी काट ली है, वो भी बहुत ज्यादा बारीक, लगभग 15 मिनट तो लगाए होंगे पतिदेव ने सब्जी काटने के लिए। अब फोन कर जा रहे हो अम्मा से मिलने के लिए, चलो फिर बाय बाय। तो राय की सब्जी मैंने चढ़ा ली है जल्दीबाजी में ना, मैं आप लोगों को सब्जी कैसे डाली वो तो दिखाना ही भूल गई। तो फाइनली हमारी सब्जी भी पक चुकी है, और सूरज का इंतजार हो रहा है खाने के लिए, है ना सूरज, भूख लग गई नहीं लगी है? कब खाएंगे फिर खाना? दादा लोग आएंगे तब खाएंगे। तो रोटी सब्जी मेरी बन चुकी है, और सूरज सासू माँ के लिए लेके चले गया, तो जैसे पापा आते हैं ना फिर हम लोग भी खाते हैं खाना। तो आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।